हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तनुमय गोरखनाथ धुन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा एंड ये जो टॉपिक है 6 मार्क के लिए आ सकता है। इसमें आपको 1 मार्क तो मैं आपको 100% दूंगा। इट्स वेरी ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट डिफ्लेक्शन इन द ट्रस। एक हमें ट्रस दिया है ए बी सी डी। इसका साइज 3x3 मीटर है, सो ऑब्वियसली एंगल विल बी 45 डिग्री। देन ए सपोर्ट हिन सपोर्ट है एंड योर डी सपोर्ट इज योर रोलर सपोर्ट। ओके, तो हमें पूछा है यहाँ पे सी पॉइंट पे वर्टिकल लोड दिया है 10 किलो न्यूटन। हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। हमें सी पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 किलो न्यूटन लोड वर्टिकली। अगर आपको हॉरिजॉन्टली पूछते हो, आपको आप ऐसा हॉरिजॉन्टली 1 किलो न्यूटन अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमें उसका डीएस एंड डीके निकालना। व्हाट इज डीएस एंड डीके? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। तो ट्रस का एक सिंपल फॉर्मूला होता तो आपको, मैं ट्रस का फॉर्मूला है R+M - 2J। ओके, दिस इज योर डीएस फॉर्मूला। व्हाट इज आर? आर मीन सपोर्ट रिएक्शन। तो हमें पता है इन सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं, 1 और 2। f(x, f(y) यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे रोलर पे 1 अननोन है। तो आर कितना होगा? आर विल बी 2+1, 3। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? मेंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 मेंबर्स माइनस 2 × हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर? जॉइंट देखो ABCD, 4 जॉइंट है × 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 - 8 = 0। तो यस, अगर आंसर आपका 0 है तो ट्रस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ओके, तो इसका आप 1 मार्क मिल सकता है वेरी इजीली। एंड और एक आपको इसका सिंपल आंसर बता देता हूँ। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड डिफ्लेक्शन इंटरेस्ट, तो एज़ पर योर सिलेबस, जो हमारा पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें तो डिटर्मिनेट ट्रस ही पूछेंगे, तो उसका डी एस आंसर 0 ही आएगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, उसमें दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है फोर्स इन द मेंबर, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर डिफ्लेक्शन पूछेंगे वो डी एस आंसर 0 ही आ सकता है, मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये होगा डी एस। एंड डीके, व्हाट इज डीके? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रस में 3 सिंपल रूल याद रखो, डीके डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिन सपोर्ट रहेगा तो आपको 0 लेना है, वहाँ पे 0 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोलर सपोर्ट रहेगा तो आपको लेना है 1 एंड ईच जॉइंट पे आपको लेना है 2। ओके, सो दिस आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे होगा 2, 2 एंड 1। तो काउंट करो, टोटल होगा डीके विल बी 5। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड डी एस एंड डी के। तो इतना भी आप लिखोगे पेपर में तो आपको 1 मार्क तो फिक्स 100% मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी करोगे तो 1 मार्क मिलेगा फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने देखो डी एस डी के निकाला है। डी एस का फॉर्मूला R+M - 2J, ये मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक निकाला था, मैं आपको बाद में बताऊँगा। देन दैट इज आर निकाल, आर विल बी 3, मेंबर आर 5, जॉइंट्स 4 थे, तो ये सॉल्व करके 0 आ गया। ओके, इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बताया 5 आया था। व्हाट आर द 3 रूल्स? हिन सपोर्ट पे 0 लेना है, रोलर सपोर्ट पे 1 एंड ईच जॉइंट पे 2। तो सॉल्व करके डीके आ रहा है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन दिया है डिग्री ऑफ, ऑलरेडी डबल हो गया शायद। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ट्रस सॉल्व करते समय हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्रस के 3 गोल्डन रूल क्या है। ये बहुत बार बच्चों को पता नहीं है, व्हाट आर 3 गोल्डन रूल्स? एट एनी जॉइंट इफ देर आर 2 मेंबर्स, 2 मेंबर रहेंगे एंड देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, देन फोर्स इन दोज मेंबर आर 0। मीन्स व्हाट? सपोज आपके पास ये ट्रस है, दिस अ ट्रस गिवन टू मी, दिस इज ABCDE। तो एट जॉइंट सी, यहाँ पे अगर आप FBD निकालोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो दिस फोर्स BC एंड फोर्स CD। यहाँ पे देखिए, एट एनी जॉइंट, दिस जॉइंट पे देर आर 2 फोर्स ओनली, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, सो ऊपर से कोई 100 या 200 किलोन्यूटन लोड नहीं है, देन फोर्स इन दिस 2 मेंबर विल बी 0। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि फोर्स, ये अगर ऐसा ट्रस है तो ये दोनों मेंबर में, यहाँ पे और यहाँ पे, दिस फोर्सेस विल बी 0। दिस इज योर फर्स्ट गोल्डन रूल। व्हाट इज सेकेंड गोल्डन रूल? एट एनी जॉइंट इफ देर आर 3 मेंबर्स, दिस इज ABCD,
आउट ऑफ विच टू आर कोलिनियर, तो ए बी एंड बी सी कोलिनियर है एंड यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, सपोज यहाँ पे कुछ लोड नहीं है, देन फोर्स इन मेंबर बी डी, थर्ड मेंबर में जीरो होता है, सो फोर्स बी डी विल बी जीरो. सो दिस इज योर सेकेंड गोल्डन रूल. क्या गोल्डन रूल है, आप देखिए, एट एनी जॉइंट इफ देर आर थ्री मेंबर्स नो एक्सटर्नल लोड देन टू फोर्स आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर विल बी जीरो. समझ में आया, ये लाइन है तो ये जीरो होगा, ये दोनों जीरो नहीं होंगे, ठीक है. दिस इज योर सेकेंड रूल. एंड थर्ड रूल क्या है, इट इज़ सिमिलर टू सेकेंड रूल बट इन एडिशन टू. उसमें क्या है, अगर सपोज सेम ऐसा रूल है तो हमें सेकेंड रूल से ये जीरो होगा, लेकिन सेम लाइन में यहाँ पे सपोज कुछ लोड है 20 किलो न्यूटन, देन ये भी लोड होगा, दिस फोर्स विल ऑल्सो भी 20 किलो न्यूटन. दिस इज द थर्ड रूल. ओके, तो ये रूल हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रोसीजर कैसा है, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल दिखाया है, ये ट्रस है ए बी सी डी, तो फोर्स इन मेंबर, ये मेंबर में जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो दिस इज योर फर्स्ट गोल्डन रूल. यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. एट जॉइंट डी, यहाँ पे देखिए, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये भी मेंबर है, तो यहाँ पे लोड दिया है कुछ, तो 10-20 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ पे लोड कितना होगा, सपोज ये 20, तो ये भी 20 होगा, सो दिस इज योर थर्ड रूल. एंड व्हाट अबाउट सेकंड रूल, एच जॉइंट एच, देखिए यहाँ पे तीन मेंबर है, दो लाइन पे है, और ये सो फोर्स इन एच, फोर्स इन एच जी विल बी जीरो. दिस इज योर सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल. लाइक दिस हम सॉल्व करके हमारा आंसर इजीली निकाल सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम था, हम पहले निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स तो जीरो है हॉरिजॉन्टल, तो एक जीरो आएगा, देन एफ ऑफ वाई लॉजिक क्या है, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव लेते, नीचे आने वाले निगेटिव लेते, सो ए वाई प्लस डी वाई इक्वल टू 10 आएगा. देन टेक मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए पे हम मोमेंट ले सकते हैं, नहीं तो डी पे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट जीरो होता है, तो हम ए पे मोमेंट लेंगे. मेरा अजम्पशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो कितना आएगा मोमेंट एट ए, देखिए यहाँ पे डी वाई, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, सो डी वाई इंटू कित, सो 10 इंटू 3 होगा क्लॉकवाइज, एंड डी वाई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो माइनस डी वाई इंटू 3 होगा. तो सॉल्व करने के बाद डी वाई 10 आ रहा है, एंड ए वाई उसको पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो 10 0 आ रहा है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अजूम ऑल फोर्स आर टेंसाइल इन नेचर अवे फ्रॉम द जॉइंट, मतलब क्या करना है आपको, डायग्राम निकालना है. सपोज बी पॉइंट पे जाता हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे बी पॉइंट पे अवे 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 ऐसे दिखाएंगे, ए पॉइंट पे जाओ अवे अवे ऐसा दिखाना है, ये मेरा अजम्पशन है, आप टूवर्ड्स भी दिखा सकते हो, दैट विल बी कॉम्प्रेसिव. देन उसको नाम देना है फोर्स बी सी, तो ये भी बी सी रहेगा, आप सी भी आंसर दे सकते हो. ऐसे मैंने सब फोर्सेस निकाले. तो अभी हम क्या यहाँ पे कोई रूल अप्लाई कर सकते, यहाँ पे लोड आया था ये 10 किलो न्यूटन था, ये भी 10 है, और यहाँ पे जीरो आया है, तो आई कैन अप्लाई, यहाँ पे जीरो है मतलब यहाँ पे दो ही फोर्स हो गए, कैन आई अप्लाई फर्स्ट रूल, यस. फर्स्ट रूल क्या है, एट एनी जॉइंट इफ देर आर टू मेंबर्स, ये मेंबर है, नो एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, देन द फोर्स इन दिस टू मेंबर विल बी जीरो. सो हम डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फोर्स इन मेंबर ए बी एंड ए डी विल बी जीरो, तो ये दोनों मुझे आंसर मिल गए. देन मैं इसको कट कर दूंगा, तो कट करने के बाद मेरा डायग्राम इतना ही बचेगा, यहाँ पे देखिए, तो ओनली बी सी एंड डी इतना ही बचे. अगेन कैन आई अप्लाई रूल, यस, यहाँ पे बी जॉइंट पे अप्लाई कर सकता हूँ फर्स्ट रूल, अगेन ये दोनों जीरो हो जाएंगे एज पर फर्स्ट रूल, तो जीरो हो गए, तो डायग्राम कितना बचेगा मेरा, ओनली वर्टिकल लाइन, ओके, ओनली दिस सी डी. तो यहाँ पे हम ए बी डी निकालेंगे एंड यू कैन ईजिली फाइंड फोर्स इन मेंबर सी डी, तो पी सी डी आया माइनस 10. तो जो फर्स्ट स्टेप, यहाँ तो आपको एक मार्क मिलेगा, और देन हमें जहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, हमें यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लोड अज्यूम करना है एंड एक्सटर्नल लोड निकाल देना है, एंड अगेन वी हैव टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ती. हाँ, अगर आपको कैंटिलीवर ट्रस आता है तो उसमें सपोर्ट रिएक्शन ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, वी विल फाइंड सपोर्ट रिएक्शन ए वाई ए एक्स डी वाई डी वाई एक्सेट्रा, देन अगेन मूवमेंट लेंगे, तो डी वाई 1 आया, ए वाई 1 आया, 0 आया, देन अगेन अप्लाई सेम रूल, ये जीरो हो गए दोनों, ये भी जीरो हो गए, तो ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट माइनस 1 आया. देन हमें फॉर्मूला टेबल बनाना है, दैट इज मेंबर, दिस इज पी के एल ए ई, दिस इज अ डिफ्लेक्शन, देन फाइनली पी के एल अपॉन ई. अभी आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, पी फोर्स लिखना है 0 0 0 हो गए, ये माइनस 10 आया, तो ये बाद में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लॉजिक क्या है, ये 0 मल्टीप्लाई एनी टाइम आंसर 0 आने वाला है, तो यू कैन सेव योर टाइम.
ये सब मैंने 00 डैश डैश लिखे तो ये 0 आ गए। बस ओनली फोर्स सी डी था -10, के फोर्स आया था -1, लेंथ 3 मीटर था, ए ई दिया नहीं था तो डायरेक्टली ई, तो ये सम करने के बाद आ रहा है 30/ई। सो आंसर है मेरा 30/ई। नाउ दिस इज मीटर। जनरली डिफ्लेक्शन mm में होता है, लेकिन आपको अभी इसका पता नहीं वैल्यू कितना ए और ई दिया है। अगर आपको लेंथ mm में देंगे, एरिया mm में देंगे, square में, तो हमें square में ही लेना है, कन्वर्ट करना है, तो आंसर विल भी आपका square, क्योंकि डिफ्लेक्शन थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने ब्रीफ किया, इट्स वेरी इजी, और ये एग्ज़ाम में आप सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।